हेलो एवरीवन, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग टॉपिक 2.3 डिस्कस करेंगे। 2.2 और 2.4 मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस कर दिया था क्योंकि वो छोटे टॉपिक्स थे और 2.3 थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी है। हम लोग अभी मार्च के मंथली कंपाइलेशंस कर रहे हैं विजन IAS के, मार्च 2020 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS3 के लिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आ ही जाता है, तो प्रीलिम्स में या फिर मेंस में कहीं ना कहीं ज़रूर आता है हर बार। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एट 50, यानी कि 50 साल हो गए हैं इस ट्रीटी को पूरे के पूरे। ये ट्रीटी क्या है और ये न्यूज़ में तो इसलिए थी क्योंकि इसको 50 साल हो गए हैं, और ये है क्या ट्रीटी बेसिकली। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जो न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड इंक्रीज होता जा रहा था ना पिछले सेंचुरी के अंदर, उसको रोकने के लिए था ये, और कोऑपरेशन प्रोवाइड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ताकि उसका पीसफुल यूज़ हो न्यूक्लियर एनर्जी का, कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हो, ऐसे यूज़ हो, वेपनाइज करने के लिए नहीं था। और एक न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का एक गोल था, एक लॉन्ग टर्म गोल है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो जाए पूरे वर्ल्ड में। इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट। इसके बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, है क्या, कब स्टार्ट हुई, एवरीथिंग धीरे धीरे पॉइंट्स में आता जाएगा, आप सुनते जाना। अगर आपके पास इसका प्रिंट आउट है तो आप साथ में वहाँ पे देखते चलो, उससे ज़्यादा अच्छे से याद होगा। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर सम प्री रिक्वेस्ट सच एज इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन देयर फाइनेंशियल अफेयर्स आर मेट। ये आई थिंक एक पॉइंट इन्होंने कहीं किसी और न्यूज़ का इसमें गलती से पेस्ट कर दिया है, कोई बात नहीं। जो ट्रीटी है वो रिप्रेजेंट करती है एक बाइंडिंग कमिटमेंट इन ए मल्टीलेटरल ट्रीटी एंड टू द गोल ऑफ गोल क्या है इसका, डिसआर्मामेंट बाय न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। अब इंडिया NPT का सिग्नेटरी नहीं, NPT में टोटल 191 सिग्नेटरीज हैं। ये एक ट्रीटी है, एक अग्रीमेंट है बेसिकली, जिसमें 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जिन्होंने साइन किया हुआ है। ये ट्रीटी क्या बोलती है, ये बोलती है कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं ना, वो हैं जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे और टेस्ट कर लिए थे 1 जनवरी 1967 से पहले। तो वो कौन से हैं, US, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना। ये 5 स्टेट्स हैं, 5 कंट्रीज़ हैं, इनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। इनके अलावा जो भी हैं उन सबको मना कर दिया गया है। अब सारी कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट द अबव 4 पार्टीज़ टू द NPT। तो ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ना, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया, ये बेसिकली वो कंट्रीज़ हैं जो ना उन 5ों का पार्ट है और ना इन्होंने NPT साइन किया, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर ये NPT साइन कर लेते तो ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं डेवलप कर पाते। NPT रिव्यू कॉन्फ्रेंस जो है वो हर 5 साल में होती है, और वो रिव्यू करती है ऑपरेशन ऑफ द ट्रीटी एंड कंसिडर करती है कि इसको और एनहेंस करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। अब एक बार हम ये देख लेते हैं IAEA क्या है। IAEA का मतलब होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एक UN का ही एक पार्ट होता है। ये क्या होता है, 1957 में फाउंड किया गया था। ये प्रमोट करता है न्यूक्लियर कोऑपरेशन, सेफ, सिक्योर, पीसफुल यूज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, बेसिकली मेजरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम के थ्रू होती है, और इसकी खुद की ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी, द स्टैच्यूट ऑफ द IAEA, जिसके 3 मेन रोल हैं। पहला है ये पीसफुल यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी का प्रमोट करते हैं साइंस के लिए, और स्पेशली जो क्रिटिकल नीड्स होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उनके लिए ये प्रमोट करता है न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिव मटीरियल्स इन सिविलियन यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड है इसका जो रोल, वो है वेरीफाइंग इन मोर देन 900 सिविलियन फैसिलिटीज़ दैट न्यूक्लियर मटेरियल्स आर नॉट यूज्ड इन मेकिंग वेपन्स। वर्ल्ड में टोटल 900 सिविलियन फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर ही चेक करता है कि जो न्यूक्लियर वेपन है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है और जो न्यूक्लियर मटेरियल है, उससे वेपन ना बनाया जाए। ये IAEA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई पार्टी नहीं है ट्रीटी के लिए, बट ये NPT के अंडर ही काम करता है, ठीक है, और ये सेफ गार्ड करने के लिए काम करता है पीसफुल एप्लीकेशन के लिए। हमने ये सब देख लिया था। अब हम देखते हैं कि NPT जब साइन हो गई थी तो उसके माइलस्टोन क्या क्या हुए हैं, कुछ फ़ायदा हुआ भी ऐसा है इसका, नहीं हुआ है। तो फ़ायदा हुआ है, ड्रामेटिक रिडक्शन हुआ है, 70,000 वॉर हेड्स थे उसमें से 1986 में, और अब 14,000 रह गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 12,500 टोटल जो हैं US और रशिया के पास हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा रशिया के पास हैं। इन्होंने सक्सेसफुली प्रिवेंट किया है प्रोलीफरेशन अराउंड द वर्ल्ड। प्रोलीफरेशन का मतलब था ग्रोथ। तो NPT साइनों के बाद जनरली
हर कंट्रीज ने जब साइन कर ली थी तो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स ना डेवलप किए और ना टेस्ट किए, सिर्फ चार कंट्रीज ने कर ली, इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। ये तो टोटल हमारे पास 9 कंट्रीज़ हैं जो वेपन स्टेट्स हैं, लेकिन जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है वो 5 कंट्रीज़ हैं, US, रशिया, UK, चाइना और फ्रांस। एडिशनल प्रोटोकॉल फॉर डिटेक्शन, इन्होंने एक दिस हैज़ क्रिएटेड अ राइट फॉर इंस्पेक्टर्स, क्योंकि कहीं पर भी जा सकते हैं जहाँ उनको सस्पेक्ट किया जाए कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं या फिर टेस्ट किए जा रहे हैं, जो कि IAEA के अंडर ही होता है। इन्होंने इज ऑल्सो हेल्प टू मेक द न्यूक्लियर इंस्पेक्शन ईरान न्यूक्लियर डील मच मोर इफेक्टिव एंड इन ईयर्स अहेड विद नॉर्थ कोरिया। जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी उसको भी इंस्पेक्ट करने में इसकी बहुत हेल्प किया था। ये क्रिएट करता है न्यूक्लियर फ्री जोन्स वर्ल्ड के अंदर और एक वेपन फ्री जोन बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब इसके बेनिफिट्स भी हो रहे हैं तो क्या कुछ कंसर्न रीजन्स हैं? हाँ, कंसर्न रीजन्स भी हैं इसके। कंसर्न रीजन सबसे बड़ा जो आ जाता है वो आ जाता है पावर विद द P5 मेंबर्स, कि जो 5 स्टेट है ना, US, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस, इनके पास सारी पावर आ जाती है। तो इनके पास जो करेंसी, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर इनके पास हो जाती है, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है और कोई कंट्री डेवलप नहीं कर सकती, तो ये उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं कभी बाकी कंट्रीज़ के ऊपर। फिर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट फॉर न्यूक्लियर आर्सेनल एंड एमर्जेंस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यूक्लियर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ है ना उसमें ऑफेंसिव साइबर, काउंटर स्पेस, हाइपरसोनिक वेपन्स, इन सब के कारण भी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के डिस्टेबलाइज होने का बहुत डर है। जो रशिया है वो इंक्रीज़ कर रहा है अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसमें नए इन्वेस्टमेंट कर रहा है और भी एग्जॉटिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर रहा है। चाइना भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नॉट जस्ट अगेंस्ट US और रशिया, चाइना इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसका जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन इंडिया के साथ भी है, तो चाइना भी इसमें कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को। अनसेटल्ड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, US ने विदड्रॉ कर लिया था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के साथ, ईरान ने रीबिल्ड किया था अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम और तब टेंशन्स एस्केलेट हो गई थी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच। टर्की जो है वो भी एस्पायर करता है कि वो न्यूक्लियर पावर बने। US और नॉर्थ कोरिया की जो नेगोशिएशंस थे वो तो रुक ही गए थे, और ये पोलराइज कर देता है बाकी नेशंस को भी न्यूक्लियर प्लोरीफरेशन डेवलप करने के लिए। फिर आता है हमारा एक और कंसर्न, क्या है? नॉन कम्प्लायंस। नॉन कम्प्लायंस है ये एक मोस्ट सीरियस नॉन प्रोलीफरेशन, थोड़ा चैलेंज जो है NPT का वो है फेलियर ऑफ सम नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टीज टू द ट्रीटी टू कम्प्लाई विद द NPTs, और इसके सेफगार्ड जो हैं वो हैं। NPT अभी तक इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को सिग्नेटरी नहीं बना पाई है। पोजेशन ऑफ वेपन्स, NPT फॉरबिड नहीं करता नॉन वेपन स्टेट को पोजेस करने के लिए, लेकिन उसे एक्विजिशन के लिए वो मना कर देता है। तो ट्रीटी का कोई ऐसा कोई सैंक्शन नहीं है कि अगर आपने ट्रीटी साइन नहीं की और आप इसको वॉयलेट कर रहे तो उसके लिए कोई पनिशमेंट या फिर कुछ सैंक्शन वगैरह, ऐसा कोई मैटर कहीं पर मैंशन नहीं है ट्रीटी में। अब वॉट इज़ द वे अहेड, मोर स्टेक्स ऑन USA एंड रशिया। तो USA और रशिया ने एक न्यू स्टार्ट साइन किया था जो कि 2026 में उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये बेसिकली था क्या, इन्होंने 8 अप्रैल 2010 में US और रशिया ने न्यू स्टार्ट साइन किया था, तो और ये प्राग में साइन किया था जो कि ज़ेक रिपब्लिक के अंदर है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन स्ट्रेटजी, ये US और रशिया के बीच में ही है। तो इसका टारगेट था कि 2021 तक, अगले 10 ईयर्स के अंदर, ये लोग रिड्यूस करेंगे अपने जो वेपन्स वगैरह है ना, इन सबको रिड्यूस करेंगे। पर ये अभी US ने इसको, रशिया ने इसको एक्सटेंड कर दिया कि और 5 साल इस पर काम करते हैं, और अगर ये और भी अच्छा होगा अगर ये लोग इस स्ट्रेटजी के अंदर चाइना को भी इंक्लूड कर दे तो चाइना भी अपने वेपन्स के रिडक्शन पे काम करेगा। एडहेरिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अडॉप्टेड इन 2017, ये जो न्यू ट्रीटी थी प्रोहिबिशन की 2017 में थी, अच्छा होगा कि उसको जो कॉन्ट्रीब्यूशन है NPT के Article 6 का, एप्लीकेशन का, वो डिसआर्ममेंट का, वो सारे के सारे स्टेट्स को जल्दी से फॉलो करें। अब इसके हम कंक्लूजन पे आते हैं और इंडिया का क्या स्टैंड है NPT पे, उस पर जो अचीवमेंट है NPT की वो दिखाती हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्टेट, सिविल सोसाइटी अगर कुछ बड़ा गोल चाहें, एक पे फोकस करें कॉमन पर्पस पे, तो अचीव किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। हाउएवर जो रिमेनिंग चैलेंज है फ्यूचर के लिए NPT के लिए वो ये है कि एक ग्लोबल नॉन प्रोलिफिकेशन अभी भी एक नीड बना हुआ है जिसको हम
सही से पहुंच नहीं पाए जिस तक। और कोशिश ये है कि जो भी रिजर्वेयर मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, वो उसको सपोर्ट करें किसी तरीके से। अब इंडिया का स्टैंड क्या है कि इंडिया ने एनपीटी साइन क्यों नहीं किया? तो इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि भाई एनपीटी जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, ग्रुपिंग करता है कंट्रीज़ की। कैसे? कुछ स्टेट्स के पास है न्यूक्लियर, कुछ के पास नहीं है, तो ये तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया ना। और इंडिया ने ये एनपीटी इसलिए भी ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो है ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूट पार्ट है सिक्योरिटी का। कैसे? इंडिया के जो 2 नेबर्स हैं, चाइना और पाकिस्तान, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो इंडिया को अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। और ये ट्रीटी जो है ये वो भी बोलती है कि कंट्रीज़ को अपने प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान सारे गिव अप करने होंगे, तो इंडिया के पास एक सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। फिर इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंट एडवोकेट टू ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। जो ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट है उसका एडवोकेट तो इंडिया हमेशा से रहा है, और लेकिन इंडिया एनपीटी को साइन नहीं कर सकता क्योंकि वो बोलता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ इंडिया नॉट जॉइनिंग एनपीटी, इंडिया ने अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड किया था नॉन प्रोलिफेशन का और कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्सिबल रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन की थी 2008 में, मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। और इंडिया को थोड़ा सा एग्जेम्पशन मिल गए थे एनएसजी से। एनएसजी क्या होता है? तो देखो, इंडिया ने ना 1974 में अपना टेस्ट कर लिया था पहला, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाकी कंट्रीज ने देखा कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता जा रहा है और एनपीटी साइन नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, 1975 में एक एनएसजी बना दिया था जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। उसमें क्या होता है कि वो कंट्रीज़ है जिनके पास न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह होते हैं, तो ये वो कंट्रीज़ होते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं बाकी कंट्रीज़ के ऊपर। अब हुआ क्या कि इंडिया को जब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो इंडिया ने यूएस के साथ एक डील साइन की थी 2008 में। उस टाइम पे जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे और इंडिया की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2005 में ये प्लान हुआ था स्टार्ट और 2008 में ये फाइनल हो गया था। उसमें हुआ क्या था कि इंडिया ने ना अपने सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थे ना, इनको सेपरेट कर दिया था। और जो सिविल वाले थे ना, वो सारे के सारे इंडिया ने किसके अंडर डाल लिए थे, IAEA के अंडर। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, 123 एग्रीमेंट थे, तो सिविल न्यूक्लियर जो भी था ना इंडिया का फैसिलिटीज़, वो सारी की सारी IAEA के अंडर डाल दी थी कि ताकि न्यूक्लियर ये कोई वेपन ना बनाए। और इसके एक्सचेंज में यूएस ने क्या किया था कि यूएस ने इंडिया को एनएसजी के कुछ एग्जेम्पशन दे दी थी, जिससे इंडिया को यूरेनियम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा हो गया था। अब इंडिया अगर एनएसजी को साइन कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया को ज़्यादा एक्सेस मिल जाएगा यूरेनियम का। इंडिया एनएसजी साइन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 4 कंट्रीज़ ने ब्लॉक किया हुआ है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक न्यूजीलैंड और आयरलैंड है। चाइना तो लाइक बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इंडिया एनर्जी का पार्ट बने क्योंकि इंडिया को फिर ये न्यूक्लियर एलिमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। और बाकी जो 3 कंट्रीज़ हैं ये बोल रहे हैं कि इंडिया को एनपीटी साइन कराना दो, क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ हैं ना इसमें सबने एनपीटी साइन किया हुआ है, तो इंडिया को ये एग्जेम्पशन नहीं दे सकते कि एक ऐसा कंट्री बन जाए जिसने एनपीटी भी साइन ना किया और एनर्जी का भी मेंबर बन जाए। तो इन 3 कंट्रीज़ का ये एक्सक्यूज़ है। चाइना का तो डायरेक्ट एक्सक्यूज़ है कि इंडिया को इसका पार्ट ही मत बनाओ। तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।